26 नवंबर को किसानों के दिल्ली कूच को लेकर करनाल जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसके लिए करनाल प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आम आदमी को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस के 500 कर्मचारियों के अलावा होमगार्ड के जवान भी हर चौक चौराहों पर मौजूद होंगे, ताकि किसी भी तरह से आवागमन को बाधित ना होने दिया जाए। इसके अतिरिक्त कई अधिकारियों को भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह अपने अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था बनाए रखें जिससे कि आम नागरिक को कोई भी परेशानी ना हो। प्रत्येक थाना क्षेत्र के प्रभारी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी तरह की अप्रिय घटना को ना होने दे। पुलिस कप्तान गंगाराम पुनिया द्वारा किसान संगठनों से भी ये अपील की गई है कि वह संयम में रहें और कानून को अपने हाथ में ना लें। कानून की पालना ना करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। देखिए, 26 नवंबर के कुछ किसान यूनियन के द्वारा दिल्ली कूच के आह्वान के मद्देनजर जिला पुलिस के द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता एवं प्रभावी इंतजाम किए गए हैं। हमने हमारे 6 गजेटेड ऑफिसर इसके लिए हमने डेप्यूट किए हैं, सभी के साथ में ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। हमने प्रॉपर वीडियोग्राफी के भी इंतजाम किए हैं और साथ में हैं हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि यदि इन केस कुछ किसान यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और यदि रोड ब्लॉक की कुछ संभावना बनती है तो भी हम रोड डाइवर्जन का भी हमने प्लान तैयार कर लिया है और साथ में उस स्थिति से कैसे निपटा जाए इसकी भी हमने प्लानिंग तैयार कर ली है। कौन कौन सी जगह है जो नाके लगाए और कितनी जो फोर्स लगाई है? देखिए, टोटल हमने 500 के आसपास पुलिसकर्मी हमने लगाए हैं केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। बाकी विभिन्न थानों की जो पुलिस कर्मचारी है वो हमने नाके लगाने के लिए लगा रखे हैं और साथ ही कुछ होमगार्ड्स हमने ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाए हैं। तो कितनी फोर्स अपने जिले की लगाई जाएगी इसके लिए? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया 500 के आसपास पुलिस कर्मचारी हैं, वो केवल कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए हमने गोरंडा थाने के आसपास तैनात किए हैं। हमने जितने भी किसान संगठन हैं उनसे अपील भी की है, उन लोगों से साथ में उनसे लाइजनिंग भी रख रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े। देखिए, हम ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि यातायात व्यवस्था किसी भी तरह से डिस्टर्ब ना हो। फिर भी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि अनावश्यक रूप से इन रूट का प्रयोग ना करें, अगर इमरजेंसी हो तो ही बाहर निकले। दोस्तों, मैं हूँ तरुण मदन और अभी समय देख रहे समाचार। इसमें आपको एक अहम जानकारी देने के लिए यहाँ पर एक मौजूद हूँ। मैं आपको बता दूँगी कि 26 नवंबर इस दिन प्रदेश भर के या कई किसानों ने दिल्ली कूच के लिए आह्वान किया है। दिल्ली कूच के आह्वान को लेकर सभी तरह की सरकारें, सभी जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हैं किसी भी तरह की क्योंकि बाधा ना हो, कोई भी किसान ऐसी कोई स्थिति पैदा ना कर पाए कि जिससे कि आवागमन के साधन को परेशानी हो। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा कई महत्वपूर्ण कदमों को उठाया गया है। इसके लिए आज पुलिस कप्तान, करनाल के पुलिस कप्तान श्री गंगाराम पुनिया के द्वारा एक अहम जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि आवागमन बाधित ना हो, लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और किसान संगठनों से भी उन्होंने अपील की है कि वो ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि वह कानून को अपने हाथ में ले सकें। मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए करनाल प्रशासन द्वारा, करनाल पुलिस द्वारा करीब 500 से अधिक पुलिस कर्मियों और इसके अलावा होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है, जो कि हर प्रकार की बाधा को रोकने का प्रयास करेंगे ताकि किसी भी तरह से आवागमन बाधित ना हो। मैं आपको पहले बता दूं कि किसान अपने रोष को लेकर 26 नवंबर को लेकर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, इससे आवागमन बाधित होने का, और इससे पहले भी आप खबरों में पढ़ चुके होंगे और खबरों के माध्यम सुन चुके होंगे कि किसी तरह रेलवे ट्रैक और सड़क यातायात बाधित होने के पूरे चांस हैं। ऐसा कुछ भी ना हो और एक आम आदमी को, एक आम जन को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा, करनाल प्रशासन द्वारा विशेष तौर पर सावधानियों के साथ सख्ती बरती गई है। उन्होंने किसान संगठनों से अपील भी करी है कि अगर कोई भी किसान संगठन ऐसा कोई काम करता है कि किसी यातायात बाधित हो या कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी किसान नेताओं को करनाल पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा अब करनाल प्रशासन द्वारा, करनाल पुलिस कप्तान द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके अंतर्गत 500 से अधिक पुलिस जवान और होमगार्ड के कई जवान
सड़कों पर तैनात रहेंगे जिससे कि आवागमन बाधित ना हो। इसके अलावा उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि अगर बाय चांस अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई उत्पन्न होता है, ऐसा कोई समय पैदा होता है कि उनको जाम का सामना करना पड़े, तो उसके लिए रोड डाइवर्जन का भी समाधान किया गया है। और इसके साथ साथ उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से दिल्ली की तरफ कूच ना करे, और किसान संगठनों से भी अपील की है कि कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि जिससे कि यातायात बाधित हो और कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लें, क्योंकि जो भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको पुनः जानकारी देना चाहूँगा कि 500 से अधिक पुलिस कर्मचारी और होमगार्ड के जवान, 500 से अधिक पुलिस कर्मचारी और उनके अलावा होमगार्ड के जवान सड़कों पर तैनात रहेंगे ताकि आवागमन को बाधित न हो जाए। गोरुंडा के पास टोल टैक्स पर विशेष तौर पर नाका तैयार किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं, जितने भी थाना वाले हैं, जितने भी थाना कर्मचारी हैं, थाना अधिकारी हैं, उनको स्पेशल निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने आसपास के एरिए पर विशेष तौर पर नज़र रखें ताकि कोई भी ऐसी घटना ना घटे जिससे कि आम जन को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को कोई परेशानी का सामना करना पड़े जो उनके अनुरूप ना हो। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन समाचार, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.